हाय गाइस, मैं हूं शमा शेख एंड वेलकम टू ब्रश लाइफ। सो आज है 27th of January और मैं जा रही हूं मेरा हेयर कट कराने। स्टाइलू मैं तुम्हारे जैसे बाल करा लूं? क्या तुम्हारे जैसे बाल करा लूं मैं? हाँ। इतने छोटे? हाँ। ठीक है, आज मैं तुम्हारे जैसा हेयर कट करा के आती हूँ। ओके ओके, एंड आई विल सी यू। यस ओके, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। चलो मम्मी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। चलो फिर, मैं पहुंच गई हूँ अभी S9 सैलून और अब करेंगे हेयर कट, होपफुली नॉट टू मच। ओके, तो मैं घर आ गई हूँ अभी, मैंने हेयर कट करवा लिया है। आई नो, वेरी बेसिक, सिर्फ ट्रिमिंग ही करवाती हूँ मैं, तो ऐसे कुछ खास है नहीं। जो मेरा हेयर स्टाइल रहती है बस वही, उसको मैं थोड़ा ट्रिम कर देती हूँ। बट वहाँ से मैंने मम्मी को फोन करके बोला, मम्मी मैंने बाल छोटे कर दिए हैं। उन्होंने मुझे बोला, फोन रख और घर आ चुपचाप। अभी देखते हैं, मैं घर जाती हूँ और उनका रिएक्शन देखते हैं। तुम पागल हुए क्या? आप हमको मारोगे? बता, छोटे बाल पे ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगती लड़कियां। कुछ भी मत बोलो, सब अच्छी लगती हैं। कुछ अच्छी नहीं लगती। आप हमको मारोगे? बता ना। नहीं कटवाए यार। ये बकवास नहीं करो, लड़कियां छोटे वालों में भी अच्छी, उनकी मर्जी, उनको जो भी हेयर कट करना है। आप आपकी बेटी के बारे में बोल सकते हैं, दूसरी लड़कियों के बारे में नहीं। दूसरी लड़कियां भी मेरी बेटियां ही हैं। बेटा, बच्चे लोग बाल लंबे रखना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको जो करना है वो करना। मैं अगले मंथ छोटे करवा के आऊंगी। ओके मम्मी। जमाने में वैसे ही बाल नहीं रहते किसी के, करते रहते बाल। ये बहुत उतर रहे, बहुत पतले हो गए, इसलिए तो कटवाने हैं। ऐसे ही अच्छी है। हमको वहाँ पे पार्लर में भी सब बोल रहे थे, काट दे काट दे, बहुत पतले हो गए हैं। बोलने वाला को क्या है, काट दे काट दे। बढ़ाने वाला से पूछो कितनी मेहनत लगती है। एनीवे, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं वैसे, पर सही में बहुत पतले हो गए और मैं सही में सोच रही थी कि मुझे कटवा देने चाहिए, बट फिर मम्मी जी का ख्याल आ गया तो फिर मैंने नहीं कटवाए। ओके, एंड फाइनली आज मैंने आईब्रोज भी करवा दी है। सी, ये आज मैंने हेयर मसाज भी कराया। आई डोंट नो बहुत टाइम बाद, हेयर कट तो फिर भी मैंने 3-4 महीने पहले करवाया होगा, बट हेयर मसाज मैंने काफ़ी टाइम बाद कराया। एंड ऑनेस्टली मज़ा आ गया मुझे, इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग हेयर मसाज था। ओ माय गॉड, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक मुझे हेयर मसाज किया अनीस, उनका नाम शायद अनीस था। सो गुड जॉब, आई लव द हेयर मसाज। एंड उसके बाद हेयर कट तो मैं पूनम के पास ही करवाती हूँ S9 सैलून में, क्योंकि उन्हीं को पता है कि मेरे बाल ज़्यादा नहीं काटने हैं, बाकी सब ज़्यादा काट देते हैं, पर उनको पता है मेरा ऑब्सेशन, ऑल्सो माई मॉम्स ऑब्सेशन विथ माई हेयर, सुबह ज़्यादा नहीं काटते हैं। एंड उनके हाथ से मुझे आईब्रोज भी अच्छी लगती है, वो एकदम नीट आईब्रोज करते हैं। सो S9, गुड जॉब। कल्चर नहीं है ये, सच बात है। कितने दिन तक आप हमको सुनाओगे? अपने में ना बोलते हैं, बाल हटाओ मुंह पे, जीने से पहले मरने का सोचने का, कि मरेंगे तो किस हालत में होंगे, कैसे होंगे हम। तो बाल लड़कियों के अपने में लंबे ही रखते, लंबे ही चाहिए। कटरा के आती तो फटके तो पड़ते ही, पर फिर पता नहीं और क्या होता तेरा। अब आप जब जब हमको लेक्चर दोगे हम फोन चालू करने वाले। मैं कुछ फालतू बकवास नहीं कर रही। हाँ, शौक की बात अलग है कि किसी को पसंद है कि भाई मेरे को इतने छोटे करवाने, वो अलग बात है। तेरे को अगर करवाना है तो मैं करवा देती हूँ। करवाना है? आऊंगा, ऐसा मत कर। चलो कराना है हमको, चलो आगे जैसे चल करवा देती हूँ।
फिर अपना बोड़िया बिस्तर बांध के। अभी तो आप बोले जिसको शौक होता है वो कर सकते हैं। तो तेरे को शौक है? हाँ है। छोटे बालों का? हाँ। का बहुत कसम मेरी का ले मेरी कसम कि अम्मी आपकी कसम मुझे छोटे बाल अल्लाह मेरा फिर पसंद लग जाएगा लग गया मेरा। अब्बा देते वो अल्लाह पता अब्बा नहीं। कुछ नहीं अब्बा को नोटिस में भी नहीं आता कि हमने बाल काटे। चल अब्बा को फोन कर और बोल अब्बा मैंने वो क्या बोलते तुम लोग बॉयकॉट हाँ वो करवा दिए बोल मैंने बाल सारे कट। चलो फोन करो आपके फोन से हम रिकॉर्ड करते हैं। लाडो आप बोलोगे शम्मा पूरे बाल कटा के आ गए एकदम छोटे कर लिए। वीडियो कॉल कर रहे हो क्या? हाँ सुनते क्या वो समान पूरे बाल कटवा के आई लड़कों के जैसी। अरे बाप रे वो बोलती है मैं ये फैशन है। इतने बाल कट पूरे कट आए? हाँ पूरे लड़कों जैसे। अरे बाप रे दिखा मेरे को फोटो वीडियो कॉल करना बोल। हाँ करती हूँ। फिर अभी इसको घर में रखोगे कि निकालोगे? निकाल देंगे। निकाल देंगे और बहुत मतलब बहुत कट कर रहा है। हाँ फोन दू उसको रोने बैठी है वो हा? रो रही है वो बोलती है अब्बा को पसंद है। क्या अब्बा को पसंद है? दे उसको देना फोन देना ले सब फोन ले बात कर वो सुन रही है बात करो। समझ क्या हुआ वो अरे कान के पास जैसे आ गए। हाँ हाँ कर डाले बाबा तुमको मैं ना फोटो भेजती हूँ उसका। हाँ फोटो भेज के देखो अब्बा को बताना मत रात को आने दो और ऐसे मोड़ के बांध के रख समझी। आ पेट इतना खतरनाक दुख रहा है तेरी बात रात को तेरे झूठ का भी जुर्माना भरने पड़ेगा। अब्बा को ऐसे करके फोटो भेज देते हैं या आगे के बाल रख के इतने। वो बोलती है मैंने बोली अब्बा डांटेंगे तो बोलती है कि क्या डांटेंगे अब्बा को तो पसंद है आपको ही पसंद नहीं है आपको ही लंबे बाल की आपको ही बहुत चाहिए लंबे बाल। लड़कियों के लंबे बाल ही होना चाहिए ना वही। और कितने अच्छे बाल थे उसके। हाँ नहीं वो उसकी मर्जी की मालिक है बोलती अब्बा को पसंद है आपको लंबे बाल चाहिए। अब्बा को शांति नहीं मिल रही है सारे काम करने जाने के वो समझ में नहीं आ रहा है जाऊं के नहीं जाऊं। इतना आप लोगों को बालों से वो है। अब्बा जस्ट अभी घर पे आए हैं और मैं बाल ऐसे करके बैठी हूँ। अब देखते हैं रूम में आएंगे फिर रिएक्शन देखते हैं। दिखा दिखा नहीं दिखाऊंगी दिखा कितने बजे गए थे काटने के लिए हमको मन हुआ था हमने काट दिया। हट दिखा बहुत मार खाएंगे तो ये सब प्रैंक के चक्कर में मैं एंडिंग तो लेना ही भूल गई।
So this is the ending. I hope you laughed as much as I did because you can clearly see मैं बहुत ज़्यादा हँसी हूँ. So if you laughed and enjoyed this video as much as I did, then please like, comment, share, and don't forget to subscribe. Bye.